हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। आज का टॉपिक है रेशनल नंबर्स। इससे नेचुरल नंबर्स वन टू थ्री फोर इन्फिनिटी तक, ओके, होल नंबर जीरो टू स्टार्ट होता है। जीरो एंड नेचुरल नंबर मतलब जितने नेचुरल नंबर रहेंगे उसके साथ एक जीरो ऐड होगा तो वो हमारा होल नंबर हो जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट इंटीजर माइनस फोर माइनस थ्री इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, ओके इंटीजर। फ्रैक्शन फ्रैक्शन ए बाय बी फॉर्म अगर एक फ्रैक्शन होगा तो ए इफ ए एंड बी इज ए फ्रैक्शन देन ए एंड बी आर नेचुरल नंबर, ओके नेचुरल नंबर होगा तो ये हमारा एक फ्रैक्शन बोला जाएगा, करेक्ट। तो एग्जांपल लेते हैं फ्रैक्शन के लिए, टू बाय फाइव, इलेवन बाय फाइव, ट्वेंटी बाय फाइव, ट्वेंटी थ्री बाय फाइव, ओके ये सब हमारा नेचुरल नंबर में आते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट रेशनल नंबर, इनके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं, ओके, पर वो नंबर्स रेशनल नंबर में यूज होंगे, कैसे यूज होंगे वो हम अभी जानेंगे। रेशनल नंबर्स द नंबर्स of the form P by Q, okay, where P and Q are integers and Q is not equal to zero called रेशनल नंबर्स, करेक्ट। इसका मतलब क्या है, देखो p बाई क्यू हम एक फ्रैक्शन ले लेंगे, मतलब p के जगह आप वन ले लो और q के जगह फाइव ले लो, करेक्ट। तो p बाई क्यू द नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ये मैं पॉजिटिव इंटीजर लिया हूं क्योंकि इंटीजर में वन फाइव मतलब अप टू इंफिनिटी तक नंबर्स हैं, इसलिए ये पॉजिटिव इंटीजर है। और आप नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो, वो आगे जाके आप अभी जानोगे। तो ये हमारा एक रेशनल नंबर हो गया, क्यों, क्योंकि फाइव इज ए नॉन जीरो नंबर, ओके, फाइव इज इक्वल टू क्यू हियर, तो क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑल्सो हियर, है कि नहीं, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए रेशनल नंबर में, ओके तो जाके वो हमारा एक रेशनल नंबर बोला जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं रेशनल नंबर के, एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स, फर्स्ट थ्री बाय माइनस फोर, करेक्ट, माइनस सिक्स बाय सेवेंटीन, माइनस एट बाय माइनस थ्री, टू बाय फाइव, ये सब ना रेशनल नंबर्स हैं,
ओके वो कैसे, हमने अभी अभी बोला था कि p by q एक रैशनल नंबर फॉर्म होगा, कब फॉर्म होगा, p एंड q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स में हमारा माइनस नंबर भी आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स विथ जीरो, करेक्ट। तो ये हमारा एक देखो, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा रेशनल नंबर में, तो ये थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर को चेक करो, देखो ये एक पॉजिटिव इंटीजर, ये एक नेगेटिव इंटीजर, ये हम ले सकते हैं, तो ये हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर। और ये माइनस सिक्स, माइनस सेवनटीन में ये भी हमारा एक नेगेटिव इंटीजर में है जाएगा, और ये माइनस एट, माइनस थ्री, मतलब न्यूमरेटर भी माइनस है, माइनस साइन है और डिनोमिनेटर माइनस साइन में है, तो वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर में जाएगा, करेक्ट, क्योंकि माइनस साइन बोथ में है तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव, और ये भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर क्योंकि इसमें साइन पॉजिटिव ऑलरेडी है, करेक्ट, वो आगे हम जाके अभी जानेंगे। नेक्स्ट, जीरो इज ए रेशनल नंबर, जीरो इज ए रेशनल नंबर, दैट्स व्हाई वी कैन राइट जीरो इज इक्वल टू जीरो बाय वन, समथिंग जीरो बाय समथिंग इज इक्वल टू जीरो, ओके, वो भी हम इंटीजर में ऑलरेडी जान चुके हैं। तो नेक्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, नेचुरल जितने भी नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, करेक्ट। नेक्स्ट, तो इसीलिए हम कैसे लिख सकते हैं, वन इजिकल टू वन बाय वन भी लिख सकते हैं, टू इजिकल टू टू बाय वन लिख सकते हैं, थ्री इजिकल टू थ्री बाय वन भी लिख सकते हैं, सो ऑन, करेक्ट, ऐसे हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर्स के लिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंटीजर, नेक्स्ट हमारा इंटीजर आता है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ओके, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, कैसे, देखो हम कोई भी इंटीजर लेंगे, नेगेटिव इंटीजर लेंगे और पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, अगर एक इंटीजर एम, इफ एम इज ए इज आन इंटीजर, वी कैन राइट एम बाय वन, करेक्ट, इज ए एम बाय वन इज ए रेशनल नंबर, हम वन नीचे लिख के रेशनल नंबर उसको कर सकते हैं, ओके, रेशनल नंबर, ओके। नेक्स्ट, फ्रैक्शन, एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, ओके, फ्रैक्शन हमारा ए बाय फॉर्म में रहता है, सेम रेशनल हमारा पी बाय क्यू फॉर्म में रहते हैं, आप उसको ए बाय फॉर्म में भी बोल सकते हो, और वो क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, अगर हम ए बाय बी फ्रैक्शन इज इक्वल टू रेशनल नंबर लेंगे तो बी इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, ओके, इफ ए बाय बी इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, देन ए एंड बी
ऑलवेज ए एंड बी आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, करेक्ट? ओके, वो कैसे? देखो एग्जाम्पल लेते हैं, 5/9, ओके, 5 में 5 पॉजिटिव, 9 ऑल्सो पॉजिटिव, -13/-17, नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव जो आएगा तब हमारा कैंसिल होके वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए इसको पॉजिटिव रेशनल नंबर भी कहते हैं, ओके, क्योंकि हमारा बोथ साइन नेगेटिव है और बोथ साइन पॉजिटिव है तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, ओके। नेक्स्ट नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर किसको कहते हैं? इफ ए बाई बी इज ए नेगेटिव रेशनल नंबर देन इट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आर सच दैट वन ऑफ देम इज ए पॉजिटिव इंटीजर और अनदर इज नेगेटिव इंटीजर, ओके। मतलब एक रेशनल नंबर में आइदर न्यूमरेटर नेगेटिव हो सकता है और डिनोमिनेटर नेगेटिव हो सकता है, दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए तो जाके वो नेगेटिव रेशनल नंबर बोला जाएगा। एग्जाम्पल -3/5, 3/-5, -18/7, 18/-7, ओके, ऑल आर नेगेटिव रेशनल नंबर, ओके, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी में से एक ही में नेगेटिव साइन है, ओके। नेक्स्ट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।